जिस वक्त भारत भुखमरी की कगार पर था, जिस वक्त भारत में हर घर में मौतें हो रही थी कोरोना के नाम पर, उस वक्त मोदी जी अपने ख्वाबों का महल सेंटर विस्टा के नाम पर एक नया संसद बना रहे थे। ये नहीं दिखता कि देश पे कौन सा संकट आने वाला है, ये नहीं दिखता, देश संकट में है। लोग कह रहे हैं ना मुस्लिमों को देश से निकालेंगे, बस उनसे कहिए चांद पर थूक कर दिखाते, रिजल्ट मैं बताऊंगी फिर क्या होगा, अपने ही मुंह पर थूक गिरेगा। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। जब आप एक उंगली ऐसे करके उठाते हो ना तो चार आपकी तरफ उठती हैं। तो ये लोग देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं, बाहरी मुल्कों से आए हुए लोग हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि भारत के हो या नहीं हो ये साबित करो। गुलाम है और हमें जो चला रहे हैं वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं और हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। नए संसद का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, हिंदू खतरे में नहीं है, मेन बात है कि बीजेपी ने ठेका ले लिया है कि बीजेपी की कोख से भगवान राम पैदा हुए, बीजेपी की कोख से शिव जी पैदा हुए। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। धमाके लगा के ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो पुराना ही है, संविधान को बचाना है और आरक्षण को बचाना है। जिस तरह सरकार हमारे पे जुल्म कर रही है, दलित समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे महिला समाज हो, चाहे पत्रकार समाज हो, चाहे स्टूडेंट समाज हो, चाहे बच्चा समाज हो, चाहे महिला समाज हो, चाहे किसान समाज हो, इस वक्त हर एक कोई सर्वाइव कर रहा है। आप भी देख रहे हैं, हर एक कोई सर्वाइव कर रहा है, हर एक कोई अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 23,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट बना है जिसका नाम है सेंटर विस्टा, और उसका जो सेंटर विस्टा जो है, हालांकि ऐसे मौके पर बनाया गया जब ऑलरेडी हमारे पास संसद था और जो 200 साल अभी और चल सकता था। जिस वक्त भारत भुखमरी की कगार पर था, जिस वक्त भारत में हर घर में मौतें हो रही थी कोरोना के नाम पर, उस वक्त मोदी जी अपने ख्वाबों का महल सेंटर विस्टा के नाम पर एक नया संसद बना रहे थे। अब उस संसद का नाम जो है, जो हमें अंदर खाने खबर मिली है, गोलवारकर पे रख रहे हैं। गोलवारकर कौन? जो आरएसएस का सबसे बड़ा मतलब एक भक्त था और आरएसएस को रखने वाला वही था, आरएसएस सोच वाला था। बात ये, अगर हमारी संसद संविधान से चलती है तो हमारी संसद का नाम या तो आप संसद रखिए, संसद भवन रखिए, नहीं तो उसका नाम भीमराव अम्बेडकर पर रखिए। क्योंकि जब हमारा घर होगा, मकान हमारा, तो नेम प्लेट भी हमारी ही होनी चाहिए। बाबा साहब का नाम रखने से फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा क्यों नहीं होगा, अगर आप घर में जिसके रूल्स चलते हैं तो मकान जिसका है तो उसी के नाम पे तो होगा। अगर आप या तो कहिए कि भारत में संविधान खत्म हो गया, हम लोगों को शायद सबर आ जाएगा और हम तमाम लोग यूं ना कहे, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू दलित, को हम गुलाम है। आप तमाम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम गुलाम है और हमें जो चला रहे हैं वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं और हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। तो अगर आप गुलाम बनना चाहते हैं तो सही है, अपने अपने घरों को जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने आपको संविधान 26 जनवरी 1950 में दिया और आपको जीने का सलीका, आपको पहनने का सलीका, आपको जमीन पर अकड़ के चलने का सलीका दिया, तो भीमराव अम्बेडकर को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, उनके संविधान को बचाने के लिए आपको इस मुहिम में जुड़ना होगा। नए संसद का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। यही है ना कि संविधान में लगातार संशोधन कर रहे हैं। भाई अगर कोई सत्ता में सरकार आती है, 5 साल के लिए आती है, लेकिन ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वो किसी भी सरकारी कंपनी को प्राइवेट हाथों में ना दे, और अगर दे भी रही है दूसरी सत्ता आती है तो वो फौरन उसके हाथ से छीन ले। ये लोग इसी वजह से डरे, इनको पता है कि ये लोग बेनकाब हो चुके हैं, तो खतरे में है ना, ऐसा बताया ही जा रहा है। खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं है, मेन बात है कि बीजेपी ने ठेका ले लिया है कि बीजेपी की कोख से भगवान राम पैदा हुए, बीजेपी की कोख से शिव जी पैदा हुए, बीजेपी की कोख से कृष्णा पैदा हुए। तो ये गलत है कि बीजेपी जो है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो। मैं अमन निजवी, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर मेरा आ रहता है, हर मुद्दे पर बोलती हूँ तो आपको नजर आती हूँ, लेकिन हमारा पूरा समाज तो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकता। तो मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरा समाज अवेयर है, मेरा समाज संगठित है, मेरा समाज दलितों के साथ है, मेरा समाज भीमराव अम्बेडकर के साथ है, मेरा समाज पूरी कोशिश में है कि संविधान को बचाया जाए। संविधान को बचाने के लिए सबसे पहला, अगर भारत में कोई इंटरनेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था शाहीन बाग। शाहीन बाग में हम लोग मुसलमानों के लिए नहीं बैठे थे, मुसलमानों के लिए भी बैठे थे, क्योंकि ये जो NRC लेकर आए थे मुसलमानों के लिए नहीं थी, मुसलमानों के लिए भी थी। तो मुसलमानों ने तो पहली बार कर दिया प्रोटेस्ट, उसके बाद एक हवा दे दी, अब जिसको देखो प्रोटेस्ट करता ही करता है। महिलाओं ने प्रोटेस्ट करा था, नहीं करा था शाहीन बाग में? तो संविधान को बचाने के लिए ही करा गया था। लेकिन आपको तो बताया जा रहा है कि आपके आरोप लग रहे हैं यही लोग कि मुस्लिम ही
जो है यहाँ से देश से निकाला होंगे, इसीलिए यहाँ पर आप चांद पर थूक के देखिए तो जो लोग कह रहे हैं ना मुस्लिमों को देश से निकालेंगे, बस उनसे कहिए चांद पर थूक कर दिखाते, रिजल्ट मैं बताऊंगी फिर क्या होगा। अपने ही मुंह पे थूक गिरेगा। जब आप एक उंगली ऐसे करके उठाते हो ना तो चार आपकी तरफ उठती है। तो ये लोग देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं, बाहरी मुल्कों से आए हुए लोग हैं, जो आपसे कह रहे हैं कि भारत के हो या नहीं हो ये साबित करो। नकली नाक वाले को ईवीएम में घोटाला होता है, आप सब देखते हैं किस तरह हरकतें करते, किस तरह इनका मीडिया ताता थैया करता है, इनका स्ट्रीम मीडिया पर आकर किस तरह मुजरे करता है वो पूरी दुनिया देखती है। मोरबी पुल पे इन्होंने कहा मरने वाले ही जिम्मेदार थे, यानी उन्होंने खुदकुशी करी थी। ये पॉलिटिक्स है। जब तक मैं दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालूंगी तब तक मैं अपने आप को पवित्र कैसे दिखाऊंगी। भाई पार्टी बनाई है उन्होंने, और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हरे की कमियां रहती है, जबी तो कांग्रेस सत्ता से गई, कुछ तो कमियां रही होंगी ना। कांग्रेस के साथ शायद ये बहुत बड़ी विडंबना रही कि वो पब्लिक के साथ नहीं जुड़ पाई।